हेलो फ्रेंड्स, आज के भागदौड़ के समय में बैक पेन या पीठ दर्द की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम घंटों घंटों बैठ के कई तरह के कार्य को करते हैं, जिसके वजह से हमारे पीठ से जुड़ी मांसपेशियों में लगातार कमजोरी होने लगता है और उसमें टिगर पॉइंट बन जाता है। टिगर पॉइंट का मतलब होता है मांसपेशियों में गांठें बन जाता है। और जब हमें इस तरह की समस्या होता है तो हम कई तरह का मेडिसिन का भी प्रयोग करते हैं, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि जब हमारी मांसपेशियां एक बार कमजोर हो जाए, उसमें टिगर पॉइंट बन जाए, तो हमें मेडिसिन नहीं बल्कि एक्सरसाइज के द्वारा अपने कमजोर मांसपेशियों को फिर से मजबूत बनाना होगा, तब जाकर हम अपने बैक पेन या पीठ दर्द की समस्या से पूरी तरह मुक्त हो पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए आज हम आपको बताते हैं 4 बहुत ही आसान साइंटिफिक एक्सरसाइज, जिसको आप घर बैठे बहुत ही आसानी से करके अपने बैक पेन या पीठ दर्द की समस्या को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। पहले एक्सरसाइज में हम सबसे पहले आराम से सीधे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद अपने पूरे स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने हिप को पीछे ले जाएंगे, साथ ही साथ अपने दोनों घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथ को इस तरह से रखेंगे और अंगूठे को बाहर की तरफ घुमा लेंगे। इसके बाद अपने बैक को हम पीछे और अंदर की तरफ दबाते हुए अपने दोनों हाथ को बाहर की तरफ उठाएंगे। तब आपको महसूस होगा कि आपके बैक और शोल्डर के मसल्स में अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसके बाद अपने हाथ को धीरे धीरे सामने की तरफ लाएंगे। इस तरह से एक्सरसाइज को हम 10 काउंट कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज एक बार कंप्लीट होता है। हम एक्सरसाइज करते समय 4 से 5 बार करेंगे। दूसरे एक्सरसाइज में भी हम सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद अपने पूरे स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने हिप को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, साथ ही साथ अपने दोनों घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथ को हम सामने की तरफ रखेंगे। इसके बाद अपने शोल्डर को हम पीछे और अंदर की तरफ दबाते हुए दोनों हाथ को 45 डिग्री में ऊपर की तरफ उठाएंगे। तब आपको महसूस होगा कि आपके बैक मसल्स में अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे की तरफ लाएंगे। इस तरह से एक्सरसाइज को हम 10 काउंट कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज एक बार कंप्लीट होता है। हम एक्सरसाइज करते समय 4 से 5 बार करेंगे। तीसरे एक्सरसाइज में भी हम सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद अपने पूरे स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने हिप को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। इसके बाद अपने दोनों घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। इसके बाद अपने दोनों हाथ को उठाएंगे। उठाने के बाद अपने एल्बो को पीछे की तरह हम पुल करेंगे। तब आपको महसूस होगा कि आपके बैक मसल्स में अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसके बाद अपने दोनों हाथ को हम सामने की तरफ फिर से फैला लेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज को हम 10 काउंट कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज एक बार कंप्लीट होता है। हम एक्सरसाइज करते समय 4 से 5 बार करेंगे। चौथे एक्सरसाइज में हम सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद अपने पूरे स्पाइन को सीधा रखते हुए अपने हिप को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, साथ ही साथ अपने घुटने को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। इसके बाद अपने दोनों एल्बो को हम बाहर की तरफ इस तरह से उठा के रखेंगे, अंगूठे को सामने की तरफ। इसके बाद अपने बॉडी को फिक्स करते हुए हम अपने शोल्डर को एक बाहर की तरफ रोटेशन कराएंगे। तब आपको महसूस होगा कि आपके शोल्डर और बैक के मसल्स में अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसके बाद फिर से हम अपने हाथ को सामने की तरफ लाएंगे। इस तरह से एक्सरसाइज को हम 10 काउंट कंप्लीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, इसके बाद अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। इस तरह से एक्सरसाइज अब कंप्लीट होता है। हम एक्सरसाइज करते समय 4 से 5 बार करेंगे। ये रहा बैक पेन या पीठ दर्द की समस्या को पूरी तरह ठीक करने के लिए 4 एक्सरसाइज। सारे एक्सरसाइज को करते समय हम 2 बातों का ध्यान देंगे। पहली बात, हम एक्सरसाइज को धीरे धीरे करेंगे ताकि हमारे मांसपेशियों में एक्सरसाइज अच्छे से हो सके। दूसरी बात, यदि एक्सरसाइज करते समय आपको थोड़ा बहुत दर्द होता है तो ऐसा होना नॉर्मल है। यदि दर्द ज़्यादा है तो आप एक्सरसाइज को और भी आराम आराम से करें। यदि आपको और किसी प्रकार का जोड़ों का दर्द है या दर्द से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके चीज़ों को डिटेल में बताएं। हम आपके दर्द के हिसाब से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आप घर बैठे अपनी चिकित्सा खुद कैसे करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।